खट्टर सरकार के 8 साल पूरे होने पर एक तरफ भाजपा अपनी उपलब्धियां गिना रही है तो वहीं कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने 8 साल की सरकार के 10 कमाल गिना दिए हैं। हिसार में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए दीपेंद्र हुड्डा ने महंगाई, बेरोजगारी, घोटाले, नशा और इस तरह के 10 काम सरकार को गिनाए। उन्होंने कहा कि खट्टर सरकार है कमाल, सरकार में बैठे लोग हो गए मालामाल और जनता है बेहाल। अभी निकालेंगे ये 8 कमाल का, हम भी 8 कमाल से जवाब देंगे। है 8 कमाल, बेरोजगारी में देश में नंबर 1, पहला कमाल, अर्थव्यवस्था चौपट, दूसरा कमाल, भ्रष्टाचार लूट खसूट में बीजेपी जेजेपी मिलके देश में नंबर 1, तीसरा कमाल, नशे में हरियाणा के युवा का भविष्य चौपट करके नशे में देश में नंबर 1, चौथा कमाल, किसान अत्याचार में देश में नंबर 1, 750 किसानों की जान चलेगी, पांचवा कमाल, गरीब कल्याण की सारी योजनाओं बंद करने में 100 गज के प्लॉट से लेकर गरीब के वजीफा से लेकर मनरेगा से लेकर राशन डिपो के ऊपर चीनी दाल तेल बंद करने में देश में नंबर 1। कितने हो गए भाई? ये तो हमें तो बढ़ाने पड़ेंगे, महंगाई में देश में नंबर 1, 8वां कमाल, सबसे महंगा जो है बिजली बिल, सबसे महंगा डीजल पेट्रोल, सबसे ज़्यादा वैट, कहाँ हरियाणा के अंदर आइए। ये तो 8 हो गए, 8 का जवाब दे दिया, घोटाले बोल दिए जी, भ्रष्टाचार में, घोटालों में देश में नंबर 1, वो भी आ गया, अपराध में और कानून व्यवस्था की विफलता में देश में नंबर 1, 9वां कमाल, इतनी बार पुलिस लाठी चार्ज आंदोलनकारियों पर अलग अलग, सबसे ज़्यादा देश में धरने प्रदर्शन हर नागरिक को करने पड़े, किसान से लेकर स्कूल के बच्चों तक, महिलाओं आंगनवाड़ी आशा वर्करों से लेकर सफाई कर्मचारी तक, जो कल लाठी चार्ज हो रहा है सफाई कर्मचारी पे, सबसे ज़्यादा दमनकारी सरकार देश में। तो ये कितने हो गए? 10 हो गए शायद। भाई देखो, हमारी गिनती थोड़ी कमजोर है शायद, आप गिन लेना। आप तो भाई खट्टर सरकार है कमाल। 8 साल की भाजपा सरकार के 10 कमाल गिनाने के बाद दीपेंद्र हुड्डा ने आदमपुर उपचुनाव को लेकर भी बड़ा दावा कर दिया। उन्होंने कहा कि बड़ौदा उपचुनाव में भाजपा को ट्रेलर दिखाया था, आदमपुर में पूरी फिल्म दिखाएंगे। बड़ौदा में हमने भाजपा जजपा सरकार को, खट्टर सरकार को बड़ौदा में हमने ट्रेलर दिखाया था, आदमपुर में पूरी पिक्चर दिखाने का हम काम करेंगे। ये अलग सभी लोग कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता, शीर्ष नेताओं से लेकर सभी कार्यकर्ता एकजुटता से चुनाव लड़ रहे हैं और सब अपने कार्यक्रम अनुसार और जिस रूप में भी जो इसमें समर्थन कर सकते हैं और अपना प्रयास कर सकते हैं, सभी प्रयास कर रहे हैं A to Z। एक भी कोई कांग्रेस का ऐसा कोई नेता या कोई कार्यकर्ता ऐसा नहीं है जिनका साथ और समर्थन। दरअसल आदमपुर उपचुनाव में इस बार कांग्रेस की साख दांव पर लगी है। कांग्रेस को अलविदा कहने के बाद पूर्व विधायक कुलदीप बिश्नोई ने भाजपा का दामन थाम लिया है। ऐसे में कांग्रेस के लिए अपनी परंपरागत सीट को बचाने की बड़ी चुनौती है, जिसके लिए कांग्रेस ने भी पूरी ताकत झोंक रखी है। हिसार से विनोद सैनी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।